तो भाई आज की शाम श्याम बाबा के दरबार में सच में भाई आज एकादशी है और भाई अभी तो यहाँ से देख लो इतना क्राउड लग रहा है एंड इतना पीछे तो अभी एक्चुअल में टाइम भी नहीं है और टाइम जैसे जैसे होगा ना भाई सच बोलो यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। बैठना तो सपने की बात हो रही है, बहुत दूर की बात है, वहाँ पे सामने लाइव है हम लोग एंड अभी चलते हैं वहाँ पे दर्शन कर ले श्याम बाबा के। तो बोलो सारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। चलिए अभी चलते हैं हम लोग, अभी प्रसाद लेने आए हैं और भैया की औरा लेने आए हैं बिकॉज प्रसाद तो भैया वहाँ पे ले रहे हैं एंड औरा उनकी बहुत आगे खड़ी हुई है तो वो लेने चले। एंड बाय द वे मैंने अपनी वरना वहीं डायरेक्ट खड़ी कर दी थी नीचे, औरा बहुत दूर खड़ी थी तो भैया ने कहा कि उसी के पास ही खड़ी करते हैं और प्रसाद ले लेते हैं फिर चलते हैं दरबार में दर्शन करने के लिए, आप लोगों को भी कराते हैं। एंड सच में गाइस हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ए तुमने दर्शन किया सर बदतमीज। हम लोगों ने इसमें ये लाइट लगवाई थी अलग से और इसमें पहले से ही है और सच में बोलूँ ना तो इसका जो ये इग्निशन वाला सीन है ना ये चीज़ जो ये ऑन होती है तो ये चीज़ भाई इसकी उतनी अच्छी मुझे नहीं लगती है जितनी मेरे जीजा वाली वरना की अच्छी लगती है। एंड सच में भाई चलो अभी तो फिलहाल चलते हैं इसको लेकर नीचे। सो गाइस यहाँ पे जस्ट अंदर घुसते ही अपनी ब्यूटी देख रही एंड इस ब्यूटी को भी यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। चलो भाई वो कांतारा नहीं देखा था कांतारा करके भाई कांतारा का जो लास्ट सीन था ना भाई मैंने जो अभी रिसेंटली में एक महीने पहले देखी है एंड सच में कांतारा को वो लास्ट वाला सीन जब मैं सोच रहा था कि वो कैसे कर रहा है बंदा और उसके बीच में अगर डायरेक्टर ने कट बोल दिया वो बाद में हम डिस्कस करेंगे पहले आगे चलते हैं। भैया प्रसाद आ गया ये अपना है भी अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे। अब चलते हैं बाहर सच बताओ ना अभी तो अभी टाइम हुआ नहीं है ना एक्चुअली टाइम होने दीजिए। सदा विराजत
आरती ले लेते हैं चलते किस साइड है। चलिए गाइस अब चलते हैं भाई, कितना मजा आया यार, कितना आनंद आया भाई। फ्यूचर वाइफ है तुम्हारी। वाह भाई यार क्या लाइन है भाई यार, बिल्कुल आएगा। आप कह रहे हो ब्लॉग में ना लो, ये क्या होता है। एंड भाई सामने इतना अच्छा है, एक काम करते हैं भाई, लोग अपना अपना डिस्कशन कर रहे हैं, हम भाई आमरेस्ट खोलते हैं। ये ठीक है ठीक, ये बस हाथ ऐसे रखने के लिए खोल लें, ऐसे हाथ रख के आराम से। हाथ रखने के लिए नहीं होता है बाबू। तो किस लिए होता है भैया? ये पैक बनाने के लिए होता है। ये अच्छा, और किस लिए? हाँ दो होल्डर है भाई, ग्लास होल्डर है, और किस लिए होता है? ये एक पैक बनाने के लिए तो, मगर ये एक चीज के लिए और है। और क्या, खाना खाना खा सकते हैं इसमें? नहीं चलो ये भी है, अगर जैसे इन केस आपकी और आपके वाइफ की लड़ाई हो जाए, आपकी वाइफ की लड़ाई हो जाए, तो उनसे कहते उधर किसको, इसके इधर मत आना, मैं इधर बैठा हूँ, आप उसके उधर ही रहो, है ना। चलो टेस्ट करते हैं कि ऐसा होता कितने देर। हाँ चल चलो एक बार लॉन्च कर लो, फिर हम लॉन्च करेंगे। ब्रेकर है लेकिन। अरे ठीक तब भी। चलो यहाँ पर ना किसो न्यू वर्ना का लॉन्चर तो देखते हैं ना भाई कि कितनी स्पीड है इसकी, 0 to 100 कितने सेकंड्स में करती है। आई थिंक मुझे तो लगता है 50 सेकंड लग जाएंगे, बट देखते हैं। 15 सेकंड वरना, और मजाक मत करो। हाँ चलो भाई 3, 2, 1 स्टार्ट। हाँ पेंटिंग में ना, ये गाइस लॉन्चर ही गलत है, बहुत जल्दी दूसरा गियर लगा है। अबे चूती है। हाँ भाई ये लॉन्चर मत देखो भाई, टाइमिंग इसकी बिल्कुल बेकार है। ये ओल्ड लोगों के लिए टाइमिंग बट। हाँ भाई वीडियो वायरल करो कल सुबह। अरे यार वो देखो ओपन थार जा रही है, ओपन थार में डांस हो रहा है भाई। छियानवे पापा की परियां उड़ने के लिए तैयार। चलते रहो भाई चलते रहो, आगे निकालो बढ़ा लियो। बना रहा हूँ वीडियो भाई, मैं सोचेगा वीडियो सिस्टम हैंग कर देना। सनी भाई सनी भाई बिग बॉस में किसको जिताना है? एल्विस भाई, पूरा एल्विस को सपोर्ट देना है। सिस्टम हैंग कर देना भाई, कपूरथला में होर्डिंग भी लग, विधानसभा की तरफ चलो। एंड गाइस आगे की डेकोरेशन तो देख लो, 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त एल्विस यादव का गाना बजाओ यार भाई, राव साहब बजाओ, राव साहब ला हम बजाए, यादव ब्रांड बजेगा भाई, यादव ब्रांड। ये शीशा बंद करो, यादव ब्रांड भाई। किसे साले की सुन तेरे यार राव साहब के। हाँ वर्ना में भी फोटो शूट भी करा जाएगा, ब्रांड है भाई।
जितनी ज्यादा मैं जिताना है वोट देंगे रहना, सिस्टम ही सिस्टम होगा। सबसे मस्त एक्सप्रेशन आते थारे भाई ने सपोर्ट भोलेनाथ का, यादव ब्रांड का। एंड भाई बंदे आई थिंक आज 12 तारीख है यार, 2 दिन अभी बचे हुए, 2 दिन में तो यहाँ पे कहर अच्छा आ जाएगा। ड्राइविंग स्किल्स ऐसी है हमारे घर की कि जिस उम्र में लोग चड्डी में हगते थे उस उम्र में हमारे डीडी भैया ट्रैक्टर चलाते थे। वाह 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 वाह, क्या बात कही मामा, वाह वाह, बड़ी अच्छी तड़ी बजा ली लेफ्ट सीखा हुआ है सनी भाई ने। वाह भाई वाह, क्या बात, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ भैया, सब उतरेंगे, गेट तो बंद करो। भैया एक चीज मुझे पूछनी थी, हम लोगों को तो उतनी नॉलेज नहीं, आपको नॉलेज भी है कि जब सीएनजी भरती तो सब लोग उतरते क्यों हैं? कोई रिक्स हो गया तो आप बाहर रहेंगे तो भाग सकते हैं, अंदर रहेंगे बाय चांस मान लीजिए नॉजिल ही अगर निकल जाएगा ये चलते समय जी, ये पूरा राउंड अप करता है जी, गाड़ी के अंदर रहेंगे आप भाग नहीं पाएंगे, सीसाई का तोड़ के कहीं आपको ही चोट लग जाए। अच्छा आपने इसकी मेन लाइट हेडलाइट भी बंद करवाई, उसका क्या कारण? हेडलाइट तो वैसे भी बंद होती है। ओके चलो, गाड़ी से बाहर निकलने का मेन कारण सेफ्टी पर्पज ही होता है, बाकी ओके। थैंक यू भैया, मुझे पता नहीं था ना, मैंने इसलिए आपसे पूछा भैया, आपको पता था भैया? अच्छा मुझे नहीं पता था। हाँ रोज वाले रोज वाले, ये देखो ये देखो, एंड सच में भाई कोई चीज़ है तो वो है भाई, वैल्यू